नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। और इस बार के हमारे मेहमान हैं बेहद खास, शहनाई की दुनिया का जाना माना सशक्त नाम लोकेश आनंद जी। लोकेश भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका रागगिरी में। बहुत बहुत धन्यवाद शिवेंद्र जी, आपने मुझे याद किया रागगिरी जैसे प्रेस्टिजियस इंटरव्यू में। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो लोकेश जी, पहला सवाल तो यही, जिसका जवाब अब तक आप मेरे ख्याल से कई हजार दफे दे चुके होंगे, लेकिन वो पूछना बहुत जरूरी है कि ये शहनाई का सफर शुरू कैसे हुआ था? जी, हुआ ऐसा कि बचपन में हम लोग स्कूल जाया करते थे, तो स्कूल में पढ़ाई में कुछ ज्यादा हमारा इंटरेस्ट नहीं था, तो पिताजी हमारे शहनाई पहले ही बजाते थे, तो किसी कारणवश से वो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो कहीं ना कहीं इच्छा तो थी उनकी, तो जब उन्होंने देखा कि हमारा इंटरेस्ट नहीं है, तो उन्होंने फिर हमें शुरू में थोड़ा बांसुरी पकड़ाई। बांसुरी में हम लोगों को थोड़ा बहुत ज्ञान दिया, जितना भी हम कर सकते थे। हम तीन भाई उसमें बांसुरी बजाते थे उस समय, उसमें सबसे ज्यादा पकड़ मेरी थी। तो जब उन्होंने देखा कि हाँ, बांसुरी पे इनकी पकड़ हो गई है, फूंकता दोनों ही फूंक के सार हैं, हालांकि बहुत डिफरेंट है दोनों साजों में, तो उनको लगा कि हाँ अब बात बन गई। तो उन्होंने सीधा हमें फिर शहनाई पकड़ाई। अब जब उन्होंने शहनाई हमें पकड़ाई, तो उसमें भी बैलेंसिंग हमारी ठीक ठाक ही थी, क्योंकि ब्लड में भी था। तो उसके बाद उन्होंने निरंतर हमें जितना उन्होंने सीखा था, हमारे पिताजी पंडित विष्णु प्रसन्ना जी के शागिर्द रहे हैं, तो जितना भी सीखा था उन्होंने हमें उसकी तालीम दी, और बहुत स्ट्रिक्ट गाइडेंस हमारी चली। उनको लगा कि हाँ, जब कर ही रहे हैं तो उसको फिर एक मुकाम तक ही पहुंचाया जाए। बिल्कुल, उसमें किसी तरीके की हमें कोई ढील नहीं थी। रियाज के समय में या फिर खेल कूद के समय में अगर 2 घंटे रियाज करना है तो करना ही है, और शाम को 2 घंटे रियाज करना है तो करना ही है। तो इस तरीके की हमारी तालीम चलती थी, उसमें किसी प्रकार की कोई छूट नहीं थी। तो आज जो मैं बजा रहा हूँ, मेरे पिताजी और गुरु भी दे रहे हैं। मैं लोकेश जी ये जानना चाहूंगा, आप जब ये बात कहते हैं कि पिताजी खुद बजाते थे लेकिन कुछ वजहों से कंटिन्यू नहीं कर पाए, तो दो दो चीजें जानना चाहूंगा। एक कि क्या पिताजी के पहले भी परिवार में संगीत की परंपरा थी, और दूसरी ये कि पिताजी वो कौन सी परिस्थितियां थी, क्या सीधे तौर पर उस समय के आर्थिक संघर्ष थे, या ऐसा लगा कि नहीं, इस वक्त शहनाई से ज्यादा परिवार चलाने के लिए कुछ और करना पड़ेगा। तो क्या शहनाई का जो इतिहास है वो पिताजी के पहले से भी था क्या परिवार में, या संगीत का कोई और पहले से बैकग्राउंड था क्या? जी नहीं, हमारे परिवार में पहले से कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है। हमारे परिवार में जो हमारे दादाजी वगैरह थे, वो प्रोडक्शन का काम किया करते थे। अच्छा। और संगीत में थे, लेकिन किसी और एक ताशा इंस्ट्रूमेंट होता है, आपने देखा होगा, जो शादी जगहों में बजाया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो उसका एक परिवार था ये, और शादी विवाह में परफॉर्म किया करते थे। तो धीरे धीरे जब जरूरत पड़ी कि नई ताशे के साथ एक इंस्ट्रूमेंट, पुराने दिल्ली में बहुत फेमस होता है, जो कि शादी घर में बजाया जाता है, उसको नफीरी बोला करते हैं। लेकिन उसको बेसिक सीखने के लिए शहनाई बहुत जरूरी होती है। अच्छा। तो परिवार चलाने के लिए फिर पिताजी ने उस समय पे पंडित विष्णु प्रसन्ना जी कहीं से ट्रांसफर होकर के दिल्ली में आए थे, कहीं नौकरी किया करते थे वो, तो वहां से होकर के आए, तो काफी सारे उनके स्टूडेंट हुए। उसमें सबसे पहले स्टूडेंट मेरे पिताजी थे। अच्छा। उनको बड़ा बेटा भी मानते हैं उनके जो आज भी परिवार के लोग हैं, मेरे दादा गुरु जी का बड़ा बेटा ही मानते हैं मेरे पिताजी को। लेकिन किसी एक बीमारी के चलते मेरे पिताजी उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। तो अब फिर उसके बाद वो शादी विवाह का जो व्यवसाय होता है, उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया। अच्छा, इस इंटरव्यू में हम ये हमेशा कहते हैं अपने मेहमान से कि एक कलाकार का प्रतिष्ठित हो जाना, एक बहुत बड़े गुरु तक पहुंच जाना, उस पर तो बात होती ही है, लेकिन जो शुरुआती गुरु होते हैं, जो संभवतः लोग भूल जाते हैं कई बार, लेकिन मैं चाहूंगा कि आज आपके जो शुरुआती गुरु रहे हो उनको भी जरूर याद कीजिए। जी, उसके बाद मैं अपनी बात को निरंतर रखते हुए आपको बताना चाहूंगा, श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने बताया कि जितनी तालीम मेरे पिताजी को थी, उन्होंने गहन शिक्षा मुझे दी, जो टेक्निकल पार्ट होते हैं,
जिसकी वजह से बहुत सारे लोग शहनाई नहीं बजा पाते। वो टेक्निकल पार्ट्स उन्होंने मुझे सिखाए कि रीड कैसे मेंटेन करना है, कैसे बनाना है, नली कितनी अंदर जानी चाहिए, और शहनाई का अगर कोई हॉल अगर बड़ा है छोटा है तो उसको कैसे मेंटेन करना है, और साइज क्या होना चाहिए शहनाई का, कौन सी शहनाई किस स्केल में जा सकती है। तो ये सब एक परिपक्वता वाली तालीम देकर के मुझे मेरे पिताजी ने मुझे बाद में शिष्य जो कराया वो मेरे गुरुजी पंडित अनंतलाल जी उनका शिष्य कराया। वहां पर मैंने जो तालीम ली पंडित जयशंकर जी से भी ली। पंडित जयशंकर जी पंडित अनंतलाल जी के सुपुत्र थे और हैं और बहुत फेमस शहनाई वादक हैं, सब लोग दुनिया में उनका बहुत नाम है। उनसे मेरी फिर उसके बाद जो तालीम चली वो एक जो रागदारी एक मैच्योरिटी जो होती है जो शहनाई के बोल बाट होते हैं सिंग रिंग काट और उसको शहनाई को लिप्स पे कैसे रखना है उसको बोल कैसे काटते हैं ये सब शिक्षा मेरी उनसे तकरीबन 5-6 साल चली। तो लोकेश जी मैं देख रहा हूँ आपके पास अब तो शहनाई आ भी गई है तो यही गुजारिश करेंगे कि इससे कुछ सुनाते भी चले हमें। जी जरूर, मैं शुरू में आपको अभी मेरे साथी कलाकार श्री मानसिंह जी मेरे साथ में है दुक्कड़ पर। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट है, बहुत तकरीबन लुप्त हो गया है एक आज। तो मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ कि जहाँ मुझे लगे मैं इस साज को अपने साथ लू। तो मैं एक बंदिश राग जो की अपने गुरु जी संगीत माता पहली जस्सा जी की बंदिश एक मैं आपके सामने छोटा सा पेश कर रहा हूँ।
लोकेश जी के साथ इस बातचीत में यहां पर एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद कल रात हमसे फिर जुड़िएगा 9 बजे और देखिएगा इस इंटरव्यू का दूसरा हिस्सा।